ओम नमस्वाय आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है आज मैं आपके लिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा लेकर आया हूं हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है और शुक्रवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है इतना ही नहीं समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है एक नगर में तीन मित्र रहते थे राजकुमार ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा नारी घर भूतों का डेरा होता है धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में वह बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लुटकर ले गए दोनों घर पहुंचे वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि उसकी मृत्यु तीन दिन में हो जाएगी जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया जहां उसकी हालत ठीक होती गई यानी शुक्र प्रदोष के महात्मे से सभी घोर कष्ट दूर हो गए इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है उम्मीद है आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें धन्यवाद